हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कैफ मोहम्मद। ये मेरा यूट्यूब का नया चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे नए 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 वीडियो डालता ही रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप बाजुक में पड़ा हुआ घंटा भी दबा दीजिए। क्या जाता है यार, सब्सक्राइब कर दो ना। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं टाउन हॉल 5 के बेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कैसे बनाया जाता है। चलो देखते हैं, एडिट मोड में जाते हैं, रिमूव ऑल, और ये देखिए यहाँ पर जो बेस में हमारे लिए येल्लो गोल्डन कलर का कुछ दिखाई देता है, वही है हमारा बेस का मिडल पॉइंट। पहले मैं टाउन हॉल को अंदर रखता हूँ, उसके बाद मैं मोर्टार को रखता हूँ। ऐसे रखने के बाद मोर्टार को सीधा रखिए। हाँ, रख दिया। अब गोल्ड स्टोरेज को आपको अंदर रखना पड़ेगा, गोल्ड स्टोरेज दोनों मोर्टार और टनल के पास में। उसके बाद आपको वॉल बनाना पड़ेगा। मैं देखिए ये गोल्डन वॉल रखता हूँ, ऐसे आपको भी इसी तरह रखना पड़ेगा। छोटी सी भी मिस्टेक मत कर दीजिए। इसके बाद ऐसे करना है, फिर यहाँ पर एक ऐसे चलते रहेंगे, यहाँ पर एक, फिर यहाँ से शुरू करेंगे हम फिर से। मैं यहाँ से एक वॉल रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर एक वॉल जोड़ देता हूँ। इसके बाद मैं रखता हूँ विजार्ड टावर को। आप देख सकते हो कि मैंने सारा ऑब्स्टेकल क्लीन कर लिया है, आप भी क्लीन कर लीजिए ताकि आपको बहुत हेल्पफुल रहे। और एलिक्सर स्टोरेज को आप विजार्ड टावर से थोड़ा गैप छोड़ के रखेंगे। हाँ, रख चुका हूँ मैं। और उसी के पास में आर्चर टावर, दोनों आर्चर टावर उसी के पास में सीधा रख दीजिए आप। और जो जगह मैंने आपको छोड़ने के लिए बोला था, वहाँ पर पहले रखेंगे एयर बॉम्ब, दूसरा रखेंगे बॉम्ब। फिर से उसी तरह दूसरे जगह में भी रख दीजिए। उसके बाद आप इस पर भी वॉल बना दीजिए। मेरे पास पूरे गोल्डन वॉल है नहीं, फिर भी मैं इससे अपना बेस को बहुत सारे अटैक जीत चुका हूँ। चाहे तो मैं अब मैं वॉल्स जोड़ते जाता हूँ। सॉरी दोस्तों, मेरे पास पूरे गोल्ड के वॉल्स नहीं थे अपग्रेड करने के लिए, मेरे पास लूट उतने भी नहीं थे। अब मैंने ये कर दिया है और इसके जगह में मुझे लगता है कि डिफेंस थोड़ी वीक होगी, इसलिए मैं कैनन रख देता हूँ, क्योंकि आर्चर टावर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए रुक, चलिए यहाँ पर मैं कैनन रख देता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ। अरे पापा, कैनन किधर हो, आ जाओ ना। हाँ, आ गई कैनन, इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। इसके बाद आपके लिए और डिफेंस के लिए आप यहाँ का एक वॉल रिमूव करिए और यहाँ का एक वॉल रिमूव करिए। आपके स्प्रिंग ट्रैप जो है उसको यहाँ पर रख दीजिए और एक को यहाँ पर रख दीजिए। उसको करने के बाद आपको जो वॉल एक्स्ट्रा रहेंगे उसको आप यहाँ पर रख सकते हो, जो स्पेस मैंने छोड़ी थी पहले उसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद मैं दूसरे तरह का मतलब दूसरा पार्ट बनाता हूँ इसका बेस का। पहले मैं रखूँगा आर्कर टावर। चलिए आर्कर टावर को मैंने तो रख दिया, हाँ रख दिया। बीच में थोड़ा सा गैप छोड़कर मैं कैनन रखता हूँ, उसके बीच में रखता हूँ मैं बॉम्ब, लेवल 3 की है मेरी, आप भी कर लीजिए। इन दोनों के बीच में मैं रख दूँगा एयर डिफेंस, देखिए इस तरह से। रखने के बाद मैं फिर से उस तरफ भी सेम मेथड, एक कैनन कैनन रख देता हूँ। इसी तरह कैनन को भी मैंने प्लेस कर दिया है। उसके बाद फिर से उसी तरह बॉम्ब छोटा सा मिडिल में रख दीजिए और उसी तरह एक आर्चर टावर भी रख दीजिए, बिल्कुल इस तरह। हाँ, मैंने इसको भी रख दिया है। अब मैं इसको भी वॉल से कवर करने वाला हूँ। चलिए कवर करते हैं। अरे सॉरी, थोड़ा मुझे लगता है मैंने मिस्टेक कर दी, रुकिए थोड़ी। अब पता चल गई है मुझे क्या गलती की, मुझे इस वॉल को
इस तरह यहाँ पर रखनी चाहिए थी। देखिए हम्म, इधर भी मैं किया था, इस जगह पे भी मैं किया था, उसको मैंने ठीक कर लिया। चलिए मैं अब और बना लेता हूँ, बना लिया हूँ, एक याद है। चलो इधर भी पूरा कवर कर देता हूँ, इधर भी कर चुका हूँ। और जो एक्स्ट्रा वॉल्स हैं आप एयर डिफेंस के लिए रख सकते हो, मैंने उसी लिए उनको छोड़ा था। और जो दो वॉल आपके लिए बाकी हैं आप इन दोनों को यहाँ पर रख दीजिए, बिल्कुल इसके तरह। इसको रखने के बाद आप अपने स्पेल फैक्ट्री को यहाँ पर रख दीजिए, पूरा चिपका हुआ वॉल पे रख चुके हैं। और लैंड कैस्टल को भी यहाँ पर चिपका के रख दीजिए, रख दिया हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर रखता हूँ सारे के सारे गोल्ड माइन। थोड़ा भी गैप मत दीजिए आप यहाँ पर, थोड़ा भी मत दीजिए। अरे यहाँ पर तो मुझे थोड़ा सा हो गया लगता है। हाँ चलो मैं तो खत्म करने आ रहा हूँ। अब यहाँ पर आप सारे के सारे एलिक्सिर कलेक्टर रख दीजिए, इससे ताकि जो लोग आर्कर विजार्ड यूज कर सकते हैं वो पहले आपके कलेक्टर्स और माइंस को मारेंगे, ताकि मेन डिफेंस में वो लोग कंसंट्रेट ना कर पाए और मेन डिफेंस उन लोग को ख़त्म कर सकते हैं। अब बीच में एक आर्मी कैम्प रख देता हूँ। इसके बाद मैं करता हूँ अपनी देश की पहचान रखता हूँ। बाद में इधर एक आर्मी कैंप रख दिया मैंने। चलिए इसको यहाँ पर रख देता हूँ और इसको यहाँ पर ऐसे। ऐसे रखता हूँ, फिर ऐसे कर दे हो जाएगा मैंने तो। आर्मी कैंप को इस तरह रख दिया है। रुकिए इसको यहाँ पर ऐसे रख देता हूँ। हाँ रख चुका हूँ। देखिए मैंने इधर इस तरह का आर्मी कैंप रख लिया। अब देखिए इधर जो गैप है उसे ऐसे छोटे से, इधर लंबा सा और छोटा सा यू की तरह रख लीजिए। और यहाँ पर एक ऐसे, नहीं, यहाँ पर एक ऐसे रख लीजिए। इसके बाद नहीं, इसको थोड़ा सा ऊपर रख लीजिए। और इधर हाँ, जो ऐसे एक शेप का आपको उधर लास्ट में आना चाहिए। और लेबोरेटरी आप रख लीजिए बैरक्स के सीधा चिपका हुआ। उसके बाद मेरे पास तो 3 बिल्डर हट हैं, आपको पता नहीं, मुझे पता नहीं आपके पास कितने होंगे। आप यहाँ पर दूसरे कुछ के साथ कवर कर लीजिए, मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ आपको। इसके बाद मैं यहाँ पर अपने बैरक्स रखता हूँ। मेरे बैरक्स तो बलून तक है, मैं विजार्ड के लिए करने वाला हूँ। इतना मेरा हो गया। इसके बाद मैं करूँगा, चलो आर्मी कैंप इधर रख देता हूँ, क्योंकि कोई अटैक करेगा तो विजार्ड टावर पे तो कैस्टल के ट्रूप्स मुझे बहुत मदद करेंगे। चलो इसको भी सेम टू सेम यहाँ पर रखता हूँ, रख चुका हूँ। इसको भी थोड़ा सा, नहीं, इसको तो थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा लगता है। और इसको यहाँ पर ऐसे, नहीं ऐसे तो नहीं लग रहा। हाँ ऐसे, इसको यहाँ पर कुछ ऐसा। यहाँ पर, और इसको मैं कहाँ रखूँ। हाँ ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। और देखिए मेरा ये कितना शानदार बेस हो चुका है। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब कैफ चैनल मोहम्मद और बेल आइकॉन द कैफ चैनल। माफ कीजिए, बोलने पे थोड़ी गलती हो गई। मेरे चैनल का नाम है, हाँ मेरा चैनल का नाम है क्लैश विथ मी। आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो के बाद। और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और बहुत अच्छा लगा तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक अकाउंट में शेयर कर दीजिए। नया मुझे प्लीज़ फ्रेंड्स हेल्प कीजिए, मैंने नया सब्सक्राइब नया सॉरी नया चैनल मैंने स्टार्ट किया है।
मुझे आपकी सपोर्ट बहुत चाहिए, ऐसे बहुत सारे वीडियोस में डालते रहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब मी। आज आपसे मैं छुट्टी लेता हूँ। बाय फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलेंगे। क्लैश विथ मी सब्सक्राइब करना भूल मत जाना, और बाजू पड़ा घंटे को भी दबा देना प्लीज़ यार, सब्सक्राइब कर देना। क्या जाता है तुम्हारा? सुपर सॉरी फ्रेंड्स, मैं बस मजाक कर रहा था। मेरा चैनल का नाम मुझे ढूंढने पर बहुत मुश्किल हो रहा था। चलो मैंने अपना चैनल का नाम बता लिया है। मेरा चैनल का नाम है सुपर ब्रदर्स। आप इसे सर्च करने से आपको मिल जाएगा। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़।